राधे राधे फ्रेंड्स, वंस अगेन। तो लास्ट पार्ट में हमारी बात हो रही थी कि कभी कभी बच्चे मजाक में मेरे से पूछते हैं कि सर GMCS के बारे में आपका क्या कहना है। तो मजाक मजाक में उनको बोलता हूँ, भाई काय का पर्सनालिटी डेवलप होता है यार, कि अगर कोई मर जाता है राइट, तो उसके लिए 13वीं करते तो क्या होता है, उस 13वीं से क्या होता है? होता कुछ नहीं, खाली मन की एक शांति के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को एक मन की शांति के लिए कि वो लोग ये GMCS कराते हैं, बाकी बच्चों को कोई फायदा उसका मेरे को तो नहीं लगता। ये मेरा व्यू है, हकीक आई डोंट नो करके, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऑलराइट, अब आ जाइए फ्रेंड्स। अब MCQ में ही 13 अपना चल रहा था, MCQ 13, एंड दिस इज योर पेज नंबर 6.16। इफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3, देर आर 15% इंक्रीज पर शेयर EPS देन EBIT। तो सेम हो गया ना आपका, DCL में मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन EPS डिवाइडेड बाई, इफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज 3, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपको दे रखा है, इट मीन्स DFL क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था आपको, DFL आपका होगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। बराबर, डिग्री ऑफ लीवरेज आपको दे रखा है 3 और अर्निंग पर शेयर आपका हो रहा है 0.15। बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, इट मीन्स सपोज अगर एक्स लेते तो 3x = 0.15, तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.05। 0.15 / 3.05, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5%। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर नंबर डी। अब क्या बोल रहा है, वेन EBIT इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल बी स्लाइटली। अब देखो, इफ EBIT आपका, EBIT है सपोज से 100 रुपीज, बराबर, और इंटरेस्ट है आपका 80। अब जैसे अपना कॉस्टिंग में होता है, कॉस्टिंग में BEP होता है, कॉस्टिंग में, बराबर, ऐसे ही FM में भी होता है BEP, और उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें जैसे कॉस्टिंग होता है, इसमें BEP फाइनेंशियल, मतलब इंटरेस्ट आप पे कर पाओगे कि नहीं, इंटरेस्ट कमिटमेंट है वो आप पे कर पाओगे कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, वेन EBIT इज मच हायर देन द फाइनेंशियल ब्रेक, आपका फाइनेंशियल ब्रेक मीन्स मिनिमम आपको 80 रुपये तो कमाने पड़ेंगे, यू हैव टू अर्न 80 रुपीज, बिकॉज इंटरेस्ट इज योर फिक्स कमिटमेंट। तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन के लिए, फाइनेंशियल BEP के लिए मिनिमम आपको 80 कमाना पड़ेगा, और आपने कमाया कितना है, 100 रुपये है, तो आपका क्या हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, वेन EBIT इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल बी, इट मीन्स आपका ये 20 आ जाएगा, इसको बोलेंगे EBIT। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल बी योर EBIT डिवाइडेड बाई EBT, इट मीन्स 100 EBIT डिवाइडेड बाई 20, एंड दिस कम्स टू 5। तो क्या आएगा, वेन द EBIT इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, देन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल बी स्लाइटली मोर देन 1। यस, देन 1 आएगा आपका, ये आपका मोर देन 1 है गाइस, सही है, सुनो फ्रेंड्स। अब आप आ जाइए MCQ 15, पेज नंबर 6.16। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम हाई ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी हायर ब्रेक इवन पॉइंट, अगर उसका ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई रहेगा, दैट इज आंसर नंबर ए ओनली। कभी कभी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑप्शन देख सकते हो करके ना। वेन सेल्स दिस इज MCQ 16 एंड 6.16। वेन सेल्स
इज एट ब्रेक इवन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी, हाँ आपका जैसे सपोज ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 100 रुपीज बराबर, और आपका फिक्स कॉस्ट है 100 रुपीज। बीईपी क्या होता है मालूम है ना, बीईपी मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट जीरो रहेगा करके ना, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपका ईबीआईटी क्या आएगा, ईबीआईटी आपका आएगा जीरो। क्या बोलो, व्हेन द सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, इसी को तो बोलेंगे ना ब्रेक इवन पॉइंट। सो व्हेन सेल्स एट ब्रेक इवन, ये आपका 16 चल रहा है, सेल्स एट इज एट ब्रेक इवन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी, अब आपका फॉर्मूला क्या है डीओएल, इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 100 डिवाइडेड बाई, अगर आप जीरो करोगे तो आपको क्या आएगा इन्फिनिटी, आर यू गेटिंग ऑन इट, आपको क्या आएगा बोलो इन्फिनिटी। तो ये क्या बोल रहा है, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी आपका आ जाएगा सही आसान ऑफ। अब क्या बोल रहा है, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज योर, क्या बोल रहा है अपने से, व्हेन द सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस करके ना, ओके okay, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये आपका। 17 में आ जाइए आप, एमसीक्यू 17 एंड पेज नंबर 6.16। इफ द डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 3, मार्जिन ऑफ सेट इज 0.5, देन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, देखो मैंने आपको बोला था ना, इफ द डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 3, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 3 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी याद आ रहा है ना सेल्स, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको डीकेसी की याद आनी चाहिए, डीकेसी अब तो क्या हो गया है आर रजिस्टर्ड, यहाँ पे आपको डीकेसी की, पहले डीकेसी क्या था बोलो, डीकेसी टीएम, अब डीकेसी क्या हो गया रजिस्टर्ड आर सेल्स डिवाइडेड टू बीपी एंड एमओएस, एमओएस कहाँ पर है 0.5, इसका मतलब ये 0.5, ये आपका क्या हो जाएगा 1, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा सेल्स डिवाइडेड बाई एमओएस, सेल्स 1 एमओएस 0.5, दिस कम्स टू 2, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है तो ये क्या आएगा 1.5, ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको। इफ द डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 3, इफ द डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज 3, ये आपको दे रखा है ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अपन को क्या मिल गया, मार्जिन सेफ्टी को 2 में डिवाइड किया, बीईपी एमओएस से मिलके सेल्स, सेल्स को डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग है ये है तो 3 को 2 से डिवाइड, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते तभी आता है ना, तो 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 आपका, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर डी। अब आप आ जाइए, आपको दे रखे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, थोड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको दे रखे हैं, वो भी अपन कवर अप कर लेते हैं बराबर। नाउ विल गो टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो आपका पूरा मॉड्यूल दैट वे वी कैन कवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का पहला आप क्वेश्चन ले लीजिए फ्रेंड्स, सिक्स पॉइंट वन सेवन से है,
पेज नंबर 6.17 क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जो आपको मॉड्यूल देख के ऐसा लगेगा अरे यार मेरा पूरा मॉड्यूल हो गया मतलब ना, दैट इज द बेस्ट करके ना। अब देखो आपसे क्या बोल रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, आप देख लीजिए, रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट ना फ्रेंड्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आईएमएक्स लिमिटेड, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 10%, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 157,500, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 31,50,000, अर्निंग बिफोर टैक्स 14 लैक्स। ओके, तो सबसे पहले अपन का यही, इट मीन्स दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 6.1 से, स्टेटमेंट शोइंग इनकम। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आपको दे रखा है रुपीज 14 लैक्स इन द क्वेश्चन, ठीक है। ईबीआईटी आपको दे रखा है 31,50,000, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, दैट्स इट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 157,500, बराबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आईएमएक्स लिमिटेड, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, पर शेयर इफ द सेल्स इंक्रीज बाई 10%। ओके, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके, अब आप आ जाइए क्या बोल रहा है, इफ द सेल्स इंक्रीजेज बाई 10%, परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 10, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ द सेल्स इंक्रीज 10%, आशा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका है 157,500। अब देखो क्या क्या आपने को दे रखा है पहले वो समझ लेते हैं। अपन को दे रखा था ईबीआईटी 3150, वो हम लोगों ने लिख दिया। फिर अपन को दे रखा था अर्निंग बिफोर टैक्स 14 लैक्स, ये लिख दिया अपन ने। तो अपन का बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, इट मींस योर 14 लैक्स माइनस 31,50,000 से माइनस किया तो ये आएगा 17,50,000। ये आपको क्लियर हुआ भाई, आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स है, आपके पास ईबीआईटी है, तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा ये। अब ये है आपके, तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इट मींस 31,50,000 प्लस 157,500 इस 33,07,500, ये आपका क्लियर हो गया कि नहीं। अब अपन को क्या चाहिए, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं क्या, यस, 33,07,500 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 31,50,000, इट मींस 33,07,500 डिवाइडेड बाय 31,50 इज 1.05। देन डिग्री ऑफ
फाइनेंशियल लीवरेज वो होता है EBIT 3150, याद है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय EBT 14 लैक्स। इट मींस 3150 डिवाइडेड बाय इस 2.25, बराबर, तो 2.25, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड, या तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1.05 इंटू 2.25। कंबाइंड लीवरेज में, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में अपन क्या कर सकते हैं, 1.05 मल्टीप्लाई बाई 2.25, 1.05 इंटू 2.25 इज 2.3625। सो अगर आपका कंबाइंड लीवरेज है 2.3625, बराबर, तो ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स 2.3625 इंटू 0.10, 2.3625 इंटू 0.10 विल बी 0.23625, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 23.625। सॉल्यूशन तो आपको दे ही रखा है फ्रेंड्स। से यस ऑन फ्रेंड्स, ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको, आई एम गोइंग फास्ट, प्लीज आप कमेंट करके बताइए फास्ट है स्पीड स्लो है करके ना। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 6.18। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेगा लिमिटेड, प्रोडक्शन 2500, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 150, ऑपरेटिंग लीवरेज 6, कंबाइंड लीवरेज 24, टैक्स रेट 30, कंप्यूट द अर्निंग आफ्टर टैक्स, वेरी इजी, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग इनकम स्टेटमेंट शोइंग इनकम आपको क्या दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन 2500 इंटू 150, 3,75,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट आपको आएगा EBIT लेस इंटरेस्ट आपको क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट, फिर आपको टैक्स पे करना है 30%, आपको क्या आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ऑलराइट, अब देखो आपको DOL दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई क्या होता है, EBIT। अब DOL आपको दे रखा है 6, और EBIT हमको नहीं पता लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन पता है 3,75,000। ये क्या रहेगा, इट मीन्स सपोज ये x है तो 6x इक्वल टू 3,75,000, देन x इक्वल टू 62,500। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन 2 चल रहा है अपना। स्टेटमेंट शोइंग इनकम, कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है
2500 इंटू 150 फिक्स कॉस्ट EBIT इंटरेस्ट EBT टैक्स 30% EAT DOL है आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT ये आपको दे ही रखा है, ये आपको आ ही गया था। यहाँ पे x एज्यूम कर लिया 6x इक्वल टू ये, तो x इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 62500 x आपका EBIT आपका आ जाएगा 62500। सही आंसर है। इट मींस आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा 312500, ये आपका क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सही है सोना फ्रेंड्स, राइट। फिर आपको दे रखा है कंबाइंड डिलीवरीज, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? कंट्रीब्यूशन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहां पे 2500 यूनिट्स इंटू 150 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 375। देन ऑपरेटिंग लीवरेज है आपका 6 बराबर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका EBIT। EBIT आपके पास नहीं है, आपने x एज्यूम कर लिया, तो ये तो आ गया, ये तो सिंपल है। अब आप आ जाइए, ये क्या बोल रहा है, कंप्यूट इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स ना। हाँ, और कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, DOL इंटू DFL इक्वल टू DCL बराबर, ओके। और DOL हम लोगों ने निकाला है 6 और ये है आपका 24, ये क्या हो जाएगा आपका 4। इज दिस क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स? DOL 6 आपको दे ही रखा है, कंबाइंड आपको दे रखा है 24, तो बाकी का बैलेंसिंग कर 4 हो जाएगा। और DFL आपका होता है EBIT अपॉन EBT। अब ये आपका 4 है, EBIT आपका 62500 है, तो 62500 डिवाइडेड बाय 4 इज 15625। 15625 ये आपको DFL है ही, EBIT अपन ने यहाँ से ले लिया, ये आपका आ जाएगा 15625। 30% आपको टैक्स लग जाएगा इंटू 30% 4687.5, बाकी का जो बचेगा 10937.5। 62500 माइनस 15625 46875, ये आपका क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कंप्यूट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, चलो ऑलराइट फ्रेंड्स। नाउ बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, तो आपको भी ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप ले लीजिए अभी, एंड पेज नंबर 6.26। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन से लैंग्वेज को, क्वेश्चन को आप समझिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास DKC फॉर्मेट में ICI का मॉड्यूल होना चाहिए। क्वेश्चंस अपन ने लेटेस्ट मॉड्यूल ICI से लिए हैं, लेकिन फॉर्मेट अपन अपना ले रहे हैं। बीटाट्रोनिक्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपके पास डेप्ट है, रिटेन्ड अर्निंग, व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग, यू नो आपने जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट में से जो अपन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो बचेगा उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो पैसा आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। करंट लाइबिलिटीज, ओके, ये रेशियो में आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज करंट लाइबिलिटीज, व्हाट इज करंट एसेट्स, ओके, नेट फिक्स एसेट्स, करंट एसेट। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, सेल्स दे रखा है आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब हमको तो क्या चाहिए,
हम लोग लेते हैं सेल्स। सेल्स में से दो पार्ट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, राइट। तो हमको अलग अलग करना पड़ेगा। इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस 120 है, उसमें से 60 डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। ईबीआईटी है, इंटरेस्ट है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, लेस टैक्सेस, अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज एट द करंट सेल्स लेवल इफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। इफ द टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल बट द सेल्स वन इंक्रीज बाय 20% डिक्रीज बाय 20, कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना फ्रेंड्स, उसी में सब कुछ आपका आ जाएगा। ओके, तो पहले आप देख लीजिए, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनकम। प्रेजेंट सेकेंड वो अपने को बोल रहा है इंक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, दूसरे में डिक्रीज बाय 20%। सॉल्यूशन आपके पास है ही फ्रेंड्स, प्लीज पे अटेंशन, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। अब देखिए, आपको सेल्स दे रखा है 3,40,000, इट मींस सेल्स 3,40,000, ऑल फिगर्स आर इन रुपीस, 340 लेस 340 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल देखो, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका 120 बराबर, उसमें से फिक्स्ड है आपका 60, तो बाकी का आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो, वेरिएबल एंड वेरिएबल हो जाएगा आपका 60,000। सही है, सुनो, यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, बाकी का जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन 340 माइनस 60 इज 280, 340 माइनस 60 इज लेस 60,000 कौन सा जो डेप्रिसिएशन का था 60,000, आपको आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 220, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका क्या आ जाएगा 220 लेस इंटरेस्ट कॉस्ट, लेस इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका 6,00,000 का 10% इज 60,000, अर्निंग बिफोर टैक्स इट मीन्स 220 लेस 60 इज 160। सही है, सुनो फ्रेंड्स, पे टैक्स, टैक्स आपको दे रखा है 56,000, आपका आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 160 माइनस 56 इज 1,04,000 डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास है 80,000 और आपका ईपीएस हो जाएगा 1,04,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इज 1.3। 1,04,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इज 1.3। यहां तक आपको क्लियर हुआ करें फ्रेंड्स? एक ही इसमें मेन पॉइंट था, ये ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग है उसमें आपको फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन का दे रखा था, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल। सही है, सुनो फ्रेंड, इट मींस अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका सेल्स 20% से बढ़ेगा या 20% से कम होगा, ओके अब आप जरा देखिए, पहले आपका सेल्स था 3,40,000, अब ये 20% से बढ़ गया, इसका मतलब आपका सेल हो जाएगा 340 × 1.2 इज 4,08,000 और 3,40,000 का 20% कम हो जाएगा, इसका मतलब 80% रह जाएगा, सो 340 का 80% इज 2,72,000। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो आपको सॉल्यूशन बुक में मैंने बहुत अच्छे से डीकेसी फॉर्मेट में बना के दे ही दिया है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके तो नया आपका सेल हो जाएगा 4,08,000, नया सेल आपका हो जाएगा 2,72,000। सही है, सुनो फ्रेंड, ये आपका 20% से इंक्रीज वाला पोजीशन, ये 20% से डिक्रीज वाला पोजीशन, ये क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेटमेंट शोइंग इनकम, ओके पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज एट द करेंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल, इफ द टोटल एसेट्स रिमेन सेम एट द सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीज 20% डिक्रीज। तो ये आपका चल रहा है आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, बी का दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड बी का दिस इज सेकेंड पार्ट। ए तो एकदम, ए पार्ट तो एकदम इजी है ना, वो लीवरेज इजी कैलकुलेट करने हैं अपने को, ठीक है? यस और नो फ्रेंड्स? तो पहले आप सेल्स का पार्ट देख लीजिए, सेल्स आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो गया बाय दिस, से यस और नो फ्रेंड्स, ठीक है? अब आप आ जाइए दूसरा क्या बोल रहा है आपको, क्योंकि मुझे आपको वेरीफाई करके दिखाना है, इसके लिए मैं ए पार्ट बाद में करूंगा, ठीक है? अब आप आ जाइए वेरिएबल कॉस्ट, आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, लास्ट टाइम था आपका 60,000 और इस बार कितने से बढ़ रहा है, 20% से, क्या हो जाएगा 72, लास्ट टाइम आपका था 60, ये 20 से बढ़ रहा है सेल्स और ये 20 से कम हो रहा है, तो 60 का 80% इन दिस कम्स टू 48,000। सही है, सुनो, ये आपका हो जाएगा 48 और ये आपका हो जाएगा 72, इट मींस 408 लेस 72 336, 272 लेस 48 इज 224। फिक्स कॉस्ट आपका सेम ही रहने वाला है, नो चेंज, 60 एंड 60, बराबर, इट मींस 336 माइनस 60 इज 2,76,000 एंड 224 माइनस 60 इज 1,64,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा, सेम
60,000, इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा सेम 60,000, इट मीन्स 276 माइनस 60 इज 216 एंड 164 माइनस 60 इज 104। टैक्स आप लगा दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम आपका टैक्स था 56 जबकि आपका इनकम था 160 इंटू 100, इट मीन्स 56 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, दिस कम्स टू 35%। सही है सुनो फ्रेंड्स, सो 35% ऑफ 216, क्योंकि आपका इनकम इस बार 216 ना, सो 216 का 35% और 104 का, मैंने सब सॉल्यूशन बुक में दे रखा है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जरा देखते जाइए। 216 का 35% इज 75,600 एंड 104 का 35% इज 36,400, 75,600 एंड 36,400, 216 माइनस 75,600 140,400, 104 माइनस 36,400 इज 67,400। सही है सुनो फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 80,000, आपका ईपीएस आ जाएगा 140,400 डिवाइडेड बाय 80,000 इज 1.76 और 67,400 डिवाइडेड बाय 80,000 आपका आएगा 0.84 और यू कैन से 0.85। सही है सर फ्रेंड्स, ये आपको इनकम स्टेटमेंट दे भी रखा है, ठीक है, इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, बोलो ऑल राइट। राइट, अब आंसर ए में अपने से क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ, ये तो आंसर नंबर बी हो गया आपका, आंसर बी, इफ द टोटल एसेट्स रिमेन द सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीज बाय 20% डिक्रीज वेयर कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर एट द न्यू लेवल, अर्निंग पर शेयर एट न्यू लेवल। सही आंसर, अब अपने से क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट आंसर में आंसर ए वन, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड एट द करेंट लेवल सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल, इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर ए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एंड डिग्री ऑफ कंबाइन, ठीक है, एट प्रेजेंट ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, डीसीएल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन 280, ईबीआईटी 220, ये 220, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी 160, 280 एंड
16. सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास सॉल्यूशन है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप कॉन्सेंट्रेट करिए. 280 डिवाइडेड बाई 220 आपका आएगा 1.27, देन आपका आएगा 220 डिवाइडेड बाय 160 आपका आएगा 1.37, एंड 280 डिवाइडेड बाय 160 आपका आएगा 1.75. सही है सर, दिस इज 1.375. सही आंसर. अब आपको मैं दिखाता हूं इसका जादू वाला पार्ट. पता है मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा फॉर्मूला? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, क्योंकि उसने बोला ना कि आप हमको परसेंटेज बताइए करके ना. डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ. डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या होता है बताओ. डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपका आ रहा है 1.75. डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपका आ रहा है, DCL आपका आ रहा है 1.75. DCL आपका क्या आ रहा है बोलो, 1.75 बराबर. DCL क्या होता है बताओ. DCL होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स बराबर. ये हमारे पास दे रखा है 1.75, ये हमारे पास दे रखा है 1.75. परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 20, परसेंटेज चेंज इन सेल्स है 20. इसका मतलब परसेंटेज इन ईपीएस चेंज क्या आ जाएगा, परसेंटेज इन ईपीएस आ जाएगा 1.75 × 0.2. तो 1.75 × 0.2 = 0.35, और यू कैन से 35% आपका जो नया ईपीएस होगा पर यूनिट, आपका जो नया ईपीएस होगा पर यूनिट, आपका जो नया ईपीएस होगा पर यूनिट वो कितना होगा, 35% से इंक्रीज होना चाहिए. अब देखो आप, आपका ओल्ड क्या था, 1.3 × 1.135% कर दो आप उसको. सो 1.3 × 135% आपका आएगा 1.76. ये जो आपका आंसर है वो आपका ये आंसर है. DCL होता है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स. DCL हमारे पास है, परसेंटेज चेंज ईपीएस नहीं है. पर अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है और ये पूरा आपको करना है, मैंने क्या बताया था, अगर वो लेडी आपको बोलती है कि टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, आपके पास ये करने का टाइम नहीं है, तो फिर आप इससे जा सकते हो डायरेक्टली. इससे आप डायरेक्टली कर सकते हो. आपको बोल, अगर वो लेडी बोल रही है कि टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, तो आप उस केस में क्या करोगे, ये 20% से सेल, आपका बी पार्ट पूरा बाकी है और आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट बनाने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज चेंज इन DCL हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो ये आप कर सकते हैं एग्जाम में. सही आंसर फ्रेंड्स.
ये पार्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए आप मुझे, परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पार्ट बोलिए। ठीक है, ऑलराइट। चलो अब आप आ गए जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी आपके। हाँ फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 को आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर पेज नंबर 6.28, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 6.28 मिला फ्रेंड्स आपको। ए कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, 15% डिवेंचर है, करंट लाइबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है एंड टोटल फिगर है आपके पास। द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर, फिक्स कॉस्ट पर एनम 4 crore है, वेरिएबल कॉस्ट 65%, टोटल एसेट्स टर्नओवर 2.5, इनकम टैक्स 30%। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। सही है, सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट। अब देखिए आप जरा ना, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इनकम स्टेटमेंट तो बना के ही देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनकम, ऑल फिगर्स आर इन क्रोर्स, ठीक है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, अर्निंग, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस। सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट फ्रेंड्स। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स आपको, द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन एज अंडर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल एसेट्स। हाँ, रेशो के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा एसेट्स टर्नओवर रेशो, बराबर। मैंने आपको बताया था इन द रेशो एनालिसिस देर आर 3 types ऑफ रेशो। वन इज ए P&L अकाउंट रेशो, वेन बोथ द पिकअप पिक्ड अप फ्रॉम P&L अकाउंट उसको P&L अकाउंट रेशो बोलते हैं। वन इज ए बैलेंस शीट रेशो, जब दोनों फिगर आपकी बैलेंस शीट से आएंगे उसको बैलेंस शीट रेशो बोलते हैं। एंड वन इज ए मिक्स रेशो, वन फ्रॉम P&L एंड वन फ्रॉम बैलेंस शीट, बराबर। तो ये आपका क्या है, ये आपका दे रखा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ओके। तो आपको रेशो के टाइम पे बताऊंगा व्हाट इज द एसेट्स टर्नओवर रेशो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, दिस इज योर एसेट्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू टर्नओवर डिवाइडेड बाई एसेट्स, बराबर है। आपके पास एसेट्स टर्नओवर रेशो दे रखा है 2.25, दिस इज 2.5। आपके पास एसेट्स टर्नओवर दे रखा है 2.5, ओके, और एसेट्स आपके पास दे रखी है, एसेट्स का टोटल देखो आप 20, और आपको निकालना है टर्नओवर। तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 20 × 2.5 = 50, इसका मतलब आपका सेल्स हो जाएगा 50। सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको एसेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है, ये आपको दे रखा है, होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स,
टर्नओवर एसेट्स रेशियो 2.5 है, आपके पास एसेट्स आपको दे रखा है फिक्स एसेट्स 12.5 क्वेश्चन में एंड करंट एसेट 7.5, इसका मतलब टर्नओवर आपका हो जाएगा 50। सही आंसर नो, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ कि सही आंसर नो। ओके, अब ये क्या बोल रहा है आगे, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 65%। ओके, इसका मतलब 65% ऑफ 50 विल बी, 50 का 65% इज 32.5, बैलेंस आपके पास बचेगा 17.5। सही आंसर नो फ्रेंड्स, आपके पास बैलेंस बचेगा, क्या बैलेंस आपके पास बचेगा बोलो, 17.5। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, लेस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्या दे रखा है 4, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखा है 4, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 13.5, उसमें से आपको इंटरेस्ट पे करना है, हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे, 15% डिवेंचर है 10, इट मींस 15% ऑन 10 एंड दिस कम्स टू 1.5, इट मींस 13.5 माइनस 1.5 इज 12, 12 में व्हाट योर टैक्स रेट इज 30% इज 3.6, इज 3.6, सो 12 लेस 3.6 इज 8.4, इज 8.4 एंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, 50 लैक्स, इट मीन्स ऑल फिगर इन क्रोर्स, सो दिस कम्स टू 0.5, सो 8.4 डिवाइडेड बाई 0.5, दिस कम्स टू 16.8। सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया बोलो, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग इनकम। आपके पास फ्रेंड्स सेल्स था, वेरिएबल कॉस्ट था, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस किया ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी आया 30%, ये आ गया, डिवाइड किया आपका ये। सही है सुनो फ्रेंड्स, अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, एकदम इजी पार्ट है, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है वो जरा आप देख लीजिए। पहला पूछ रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इट मींस सेकंड DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, what is your contribution, your contribution is 17.5 divided by what is your EBIT is 13.5, so 17.5 divided by 13.5 and this comes to 1.29। दूसरा आपसे पूछा इजी है ना फ्रेंड, दूसरा आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल लिवरेज DFL, दिस इज योर EBIT upon EBT, EBIT upon EBT, say yes or no friends, बराबर, ये आपके पास EBIT available है 13.5 divided by EBT है 12, so 13.5 divided by 12 is 1.125, 1.125, ये आपका हो गया DFL, ये आपका हो गया। थर्ड आपका आएगा DOL into DFL करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा DCL, या फिर मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, 1.29 into 1.125,
1.29 into 1.125 एंड दिस कम्स टू 1.45। और DCL के लिए अपन क्या कर सकते हैं बताओ, DCL के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 17.5, अर्निंग बिफोर टैक्स आपका 12, सो 17.5 डिवाइडेड बाई 12 एंड दिस कम्स टू 1.45 विच इज दिस आंसर। से यस और नो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग ऑन ऑन, बोलो। DOL अपना क्या आया 1.29। जादू देखना है, करना है जादू, बोलो। ये आपके आंसर हो गए 1, 2, 3, 4th आंसर आपका ये था EPS वाला। पहला आंसर आपका 1.29, पहला आंसर आपका ये आ गया अर्निंग पर शेयर, सेकेंड आंसर आपका ये आ गया DOL, थर्ड आपका आंसर ये आ गया, फोर्थ आंसर आपका ये आ गया EFLPS। Say yes or no, friends. All right. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 6.30। सारे क्वेश्चंस आपके मैं करा देता हूँ, ये मॉड्यूल में जितने भी प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूरा आपको कवर करा देता हूँ। इसके बाद आप बराबर से रिवाइज करिए तो आपका काम हो जाएगा करके ना, क्योंकि बहुत सारा कवरेज मॉड्यूल में, ICI मॉड्यूल में बहुत अच्छे से और बहुत सारा कवरेज आपको करा के दिया है करके ना, तो बराबर से कर लीजिए। अब एकदम सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन ही है खाली। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 6.30। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज फ्रॉम द डाटा अंडर सिचुएशन 1 and 2, फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 75%, सेलिंग प्राइस 30, वेरिएबल कॉस्ट 15, फिक्स कॉस्ट अंडर सिचुएशन 1, अंडर सिचुएशन 2, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल प्लान ए, फाइनेंशियल प्लान बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने से कहाँ तक पूछा है, फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज तक, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इनकम, बराबर। अपन पहला ले लेते हैं अंडर सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में 2 प्लान ले लेंगे, सिचुएशन 2 में 2 प्लान ले लेंगे अपन ना, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, प्लान ए प्लान बी, प्लान ए प्लान बी। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सब कुछ दे के रखा है, राइट। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, प्लान ए प्लान बी, ठीक है। पहला सेल्स, अब आपको सेल्स क्या दे रखा है फ्रेंड्स, सेल्स है आपका 4000 का 75%। इसका मतलब 4000 का 75%, इट मींस आपकी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो जाएंगी 3000, इट मींस आपका सेल्स हो जाएगा 3000 यूनिट्स। एंड व्हाट योर सेलिंग प्राइस, योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखा है 30 is 90,000। सारी सिचुएशन में आपका जो सेल आएगा वो कितना आ जाएगा, से 90,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट।
3000 इंटू 15 45 45 45 एंड 45। बैलेंस जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन 45 45 45 एंड 45 लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अंडर सिचुएशन वन आपका फिक्स कॉस्ट है 15000। टू में आपका फिक्स कॉस्ट है 20 एंड 20। ये आपका आ जाएगा EBIT 30 30 25 एंड 25। ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स? सेल्स आपको दे रखा है, दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में 15000 फिक्स कॉस्ट है, दूसरा सिचुएशन में 20000 फिक्स कॉस्ट है। यूनिट सेम है दोनों सिचुएशन में और वेरिएबल कॉस्ट सेम है। लेस अब आपका आ जाएगा फ्रेंड्स इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल प्लान ए में 10000 का डेब्ट है एट द रेट ऑफ 20%। 10000 इंटू 20% इज 2000, प्लान ए 2000, ठीक है। और प्लान बी में अपने को क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 5000 का 20% एंड दिस कम्स टू 1000 एंड 1000। ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इट मींस 28 29, सब तो आपको लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली कैलकुलेशन में कैसे पिकअप कर रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। 24, अब ये वाले पार्ट पे, इसके लिए मैंने फोटो भी आज अपना छोटा रखा है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए करके ना, कैलकुलेशन पे आप मेरे चेहरे पे ध्यान मत दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए करके। ये अपन ने इंस्टॉल कैपेसिटी निकाला था, इज दिस क्लियर और नॉट, समझ में आया? यहां तक अपना हो गया, एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स बताइए आप। हमारा फुल कैपेसिटी है 4000 यूनिट्स का है, 75% हम कर रहे हैं, इट मीन्स 3000 तक बना सकते हैं। एंड एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 3000 इंटू 30 90 90 90 90। वेरिएबल कॉस्ट अपन को डायरेक्टली दे रखा है 3000 इंटू 15 45 45 45 45। कॉन्ट्रीब्यूशन बचेगा 45 45 45 45, लेस आपका फिक्स्ड कॉस्ट है 15000 इन सिचुएशन वन, एंड देन सिचुएशन टू में 20000 20000, तो EBIT 30 30 25। फिर इंटरेस्ट, प्लान ए में आपने डेब्ट ले रखा 10000, उसका 20% आपको देना है तो 2000, और प्लान बी में आपका है 5000 का 20% 1000, और ये आपका आ गया। अब इसके बेसिस पे मतलब कैलकुलेशन ही था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सबसे पहला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, इट मींस कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, 45 45 45 45 डिवाइडेड बाय EBIT 30 30 30 30। सही आंसर फ्रेंड्स, EBIT यहां पर आपका EBIT है 25। इट मीन्स
45 डिवाइडेड बाय 30 इज 1.5, 45 डिवाइडेड बाय 30 इज 1.5, 45 डिवाइडेड बाय 25 इज 1.8 एंड 1.8। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इज दिस क्लियर ऑन ऑफ? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज ए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को 45 45 सब में कॉन्स्टेंट है, लेकिन ई बी आई टी बदल रहा है क्योंकि प्लान ए में 10,000 पे 20% देना है, प्लान बी में 5,000 पे 20% देना है। इसके लिए ये आपका आ गया, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ऑलराइट, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज निकालेंगे फ्रेंड्स, इसको हटा देता हूं मैं तो अपने को इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब आप आ जाइए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी 30,000, ईबीटी 28, 30, 29, 25, 23 and 25, 24. It means 30 divided by 28. This is 1.07. 30 divided by 29,000, 1.03. 25,000 divided by 23,000, 1.08, और यू कैन से 1.09, और राउंड ऑफ करेंगे तो एंड 25 डिवाइडेड बाय 24 दिस कम्स टू 1.04। सही है सुनो, आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी ईबीटी, ईबीआईटी के लिए अपन को ये चाहिए, ईबीआईटी अपन को दे ही रखा है, कैलकुलेट किया है अपन ने टेबल में, फिर आपको ईबीटी दे रखा है। सो यस और नो फ्रेंड्स, एंड द लास्ट पार्ट इज वेरी इजी, लास्ट पार्ट इज वेरी इजी इज ए कंबाइंड लीवरेज। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ सकता है, और अगर आपको कैलकुलेट करना है तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी टी। कॉन्ट्रीब्यूशन 45 डिवाइडेड बाई ई बी टी 28, 29, 23 and 24 एंड DCL आपका हो जाएगा 45 by 28 इज 45 by 28 इज 1.60। Then divided by 29 is 1.55. Then 45 divided by 23
1.96 and 45 divided by 24 is 1.87. You can verify also. All right. अब आप पहले बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके बचे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है. ओके, आप जितना पढ़ के रखोगे इतना मजा आएगा. 9 पहले आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछना. आपका 10 बचा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और लास्ट में आपका 11, 3 क्वेश्चंस, 9, 10 और 11, ये 3 क्वेश्चंस आपके बचे हैं और वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा. आर यू गेटिंग ऑन आवर फ्रेंड्स? अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप मुझे. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3, योर पेज नंबर 6.19. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यस, आ गया अपना एरिया, राइट. जब तक समुंदर में पानी रहेगा कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी रहेगा. इंटरेस्ट है, पीवी रेशो है, फाइनेंशियल लीवरेज है, वही आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, एंड टैक्स रेट है. ओके, तो अप टू टैक्स रेट है, इसका मतलब अप टू अर्निंग आफ्टर टैक्स तक अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग इनकम. कंपनी ए बी, ऑल फिगर्स आर इन रुपीज, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट अपने को मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट अपने को मिलेगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स. याद आ रहा है फ्रेंड्स? स्टेटमेंट शोइंग इनकम, कंपनी ए कंपनी बी, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है. अब अपने को क्या क्या दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इंटरेस्ट 3000 एंड 2000, इंटरेस्ट कॉस्ट 3000 एंड 2000, ठीक है. देन टैक्स रेट 45%, 45%, ठीक है. ऑलराइट, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स. फर्स्ट सेल्स वीपी एमओएस, एमओएस सेल्स है अपना 0.251. इसका मतलब कंपनी ए, कंपनी ए का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एमओएस सेल्स, राइट. इट मींस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 1 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड दिस कम्स टू
4. Say yes or no, friends. This comes to 4. आगे क्या बोल रहा है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, यही तो होता है, तभी तो अपने को अर्निंग बिफोर टैक्स मिलता है. सही है सुनो फ्रेंड्स, ये अपने को दे रखा है 4. ये अपने को दे रखा है 4 एंड ये आपका x हो जाएगा और ये आपका x माइनस आपको क्या दे रखा है 3000 का इंटरेस्ट. सही है सुनो, इट मींस 4x माइनस 12000 इक्वल टू एक्स. ओके, सो योर 3x इक्वल टू 12000 एंड x इक्वल टू 4000. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो. भाई आपको ये दे रखा है ना, DFL अपना क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग इंटरेस्ट. ये EBT आ जाएगा, ये X ले लिया, ये आपको दे ही रखा है 4 क्वेश्चन के अंदर, X 3000 सॉल्व किया आपका ये आ गया. सही है सुनो, इट मींस अगर आपका X 4000 है, इसका मतलब आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4000 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1000. ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, 1000. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि बोलो यस और नो फ्रेंड्स. ऑलराइट, सेल्स आपको 1 दे रखा है, MOS 0.25 है, BEP 0.75 है, कंपनी ए है, तो उसका DOL हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय MOS, DOL 4 आ जाएगा. DFL आपका हमेशा रहेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे, इट मींस आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आपको मालूम है 4, आपका DOL आपको मालूम है 4 ना, आपका DOL आपको मालूम है, इट्स ए 4, आपका DOL आपको मालूम है, इट्स DOL आपको दे रखा है 4. और DOL क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज 4, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4000, सो दिस कम्स टू 12000. सही है सुनो, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, दिस इज योर 4 है ना आपका, ये हो जाएगा 6. इसमें गलत हो रहा है ये ना, एक सेकेंड ना,
यहां तक तो अपना क्लियर हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है, सेल्स सेल्स डिवाइड इन टू बीपी एंड एमओएस। एमओएस 0.2 है, ये आपका 0.8 है, सेल्स 1 हो जाएगा, राइट। रिपीट कर रहा हूं इसको, और डीओएल मेरा हो जाएगा, डीओएल हो जाएगा 1/0.2 एंड दिस कम्स टू 5। एंड डीओएल अपना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपने पास है फ्रेंड्स, अपन ने निकाला 4000, तो अपना ये हो जाएगा 20000। यहाँ तक क्लियर हुआ, यही तो कॉस्टिंग का पार्ट है ना, जो मैं आपको बोल रहा था, यानी कि कॉस्टिंग। ये वाला चार्ट ऑपरेटिंग लीवरेज होगा आपका सेल्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपका होगा सेल्स डिवाइडेड बाय एमओएस। से या सुनो, रिपीट कर देता हूं कंपनी बी में तो और क्लियर हो जाएगा। इट मींस कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 20000, तो आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 16000। से या सुनो फ्रेंड्स, ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पीबी रेशो आपको दे रखा है 25%, इसका मतलब सेल्स 100% और वेरिएबल कॉस्ट 75%, दिस ओनली इन केस ऑफ ए। और क्लियर करता हूं कंपनी बी में ना, इट मींस सेल्स कॉस्टिंग का याद आ रहा है, वन साइड बोलो वेरिएबल कॉस्ट, अनदर साइड कंट्रीब्यूशन, बराबर। पीवी रेशो 25, वेरिएबल कॉस्ट 75, ये 100, ओके, कंट्रीब्यूशन 20000, तो 20000 इंटू 100 बाय 25 आपका सेल्स हो जाएगा रुपीस 80000। ये 80000 इंटू 80000 और 80000 का 75% इज ए 60000। ये क्लियर हुआ प्रॉपर, बोलो या सुनो। ऑलराइट फ्रेंड्स, बोलिए। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। अब बीम का देख लीजिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको स्टार्टिंग कहां से पता चल जाएगा वो जरा देख लीजिए। देखो आप आ जाइए, पहला बोल रहे हैं दिस इज फॉर कंपनी बी, राइट, कंपनी बी। कंपनी बी में डी एफ एल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपको दे रखा है, वो क्या होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, डी एफ एल। डी एफ एल आपका क्या है, 3,
ईबीआईटी आपको पता नहीं है, ईबीआईटी माइनस, व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फिगर इज 2000, इट मींस 3 ईबीआईटी माइनस 6000 इक्वल टू ईबीआईटी 2, ईबीआईटी इक्वल टू 6000 एंड ईबीआईटी इक्वल टू 3000, सही या सो नो फ्रेंड्स? ईबीआईटी आपका क्या हो जाएगा, 3000, इट मीन्स ये आपका 1000, 1000 का ये 450, 1000 का ये 450 और बैलेंस 550 एंड बैलेंस 550, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ क्या नहीं फ्रेंड्स? कंपनी बी आपको डीएफएल दे रखा है, डीएफएल होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो अपना क्या आएगा, दिस इज ईबीटी, सही या सुनो फ्रेंड्स? 3 ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इस, सो 3 आपको दे रखा है, ये आपको 3 आपको दे रखा था, 3 ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, 3 ईबीआईटी 6000, ईबीआईटी ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? बोलो, ऑलराइट। अब अपन इसके बेस पे क्या निकाल सकते हैं, वो सेल्स वाला पार्ट ना फ्रेंड्स, पहले इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपको दे रखा है कंपनी बी सेल्स बीपी एमओएस, एमओएस 0.25, 0.75, ये 1, तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा 1/0.25 = 4, और DOL आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, EBIT अपना है 3000, तो अपना DOL अपने को दे रखा है 4, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 × 3000 एंड दिस कम्स टू 12000, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? यहां पे आपका कॉस्टिंग का एप्लीकेशन है, कंपनी सेल्स बीपी एमओएस, ये एफएम वाले ट्यूटर को नहीं पता रहेगा, ये वाला पार्ट मेन है, ये आ गया आपका, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और एक बार ये आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 12000, ये हो जाएगा 9000, सही है सुनो फ्रेंड्स? अब आगे क्या बोल रहा है, योर पीवी रेशियो इज 33%, तो पीवी रेशियो इज 33%, बताइए कौन सा चार्ट लगेगा, चार्ट नंबर 1, कौन सा चार्ट लगेगा, चार्ट नंबर 1, इट मींस सेल्स डिवाइडिंग टू बीपी एमओएस, बीपी एमओएस बराबर, लेकिन यहां पे लगेगा फॉर्मूला कौन सा,
चार्ट अपन को चाहिए वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन 33 1/3 66.67, तभी तो ये 100% आएगा। ओके ये 12,000, अगर ये 12,000 है तो 12,000 डिवाइडेड बाय 33.3333 इनटू 100, तो आपका सेल्स हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 33. इज 36,000 अगर आपका सेल है, सो 36,000 का 66.67 इज 24, सो 24 और बाकी का आपका कंप्लीट हो गया। एंड सॉल्यूशन तो आपको दे ही रखा है, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। आर यू फॉलोइंग ऑन आवर फ्रेंड्स? बताइए अब आप, एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? क्लियर और नॉट? ऑल राइट, बताइए कुछ भी, अगर एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी पॉइंट पूछना है प्लीज बोलिए आप करके ना। ऑल राइट, नाउ वी विल टेक योर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.22। इसके लिए आपके पास डीकेसी का जो आईसीआई मॉड्यूल है वो डीकेसी फॉर्मेट में होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.22 एंड इन डीकेसी फॉर्मेट। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स? बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.22, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपके पास, डिबेंचर है, ड्यूरिंग द ईयर 2021 सेल्स डिक्रीज 1 लाख एज कम्पेयर टू 1,20,000। इसका मतलब लास्ट ईयर आपका 120 था और इस बार आपका सेल हो गया 1 लाख। During the year 2020-21, sales decreased 1 lakh as compared to 1,20,000. Last year आपका क्या था? 120. However, the selling price is 12 rupees per unit, variable cost is 8. Selling price same है, variable cost same है. Fixed expense was 2 lakh and the income tax rate is 30%. The degree of financial leverage 120 to 1 lakh. The degree of operating leverage 120 to 1 lakh and the percentage change in EPS, percentage change in EPS, say yes or no friends? All right. पहले वही अपन इनकम स्टेटमेंट बना लेते फ्रेंड्स दोनों का। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.22। स्टेटमेंट शोइंग इनकम, स्टेटमेंट शोइंग इनकम। ऑल राइट फ्रेंड्स, ओके, स्टेटमेंट शोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2021 सेल्स डिक्रीज्ड 1 lakh इज कंपेयर टू 1,20,000 इन द प्रीवियस, आपका प्रीवियस ईयर
और दूसरा आपका हो जाएगा 2020 एंड 2021। पहला सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, आपको बचेगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट आपको बचेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स और आपका आ जाएगा ईपीएस। सही है सोनो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आपका सेल्स था 1,20,000 रुपीज, इट मींस लास्ट ईयर आपका सेल्स था 1,20,000 यूनिट्स और सेलिंग प्राइस आपका था 12 रुपीज पर यूनिट, इट मींस 1,20,000 × 12 इज 14,40,000। सही है सुनो फ्रेंड्स, और करेंट ईयर में आपका हो जाएगा 1,00,000 × 12 एंड दिस कम्स टू 12 लैक्स, इट मींस 1,440,000 and 12 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट लास्ट ईयर आपका था 1,20,000 × 8 rupees पर यूनिट 960 और करेंट ईयर में 1,00,000 × 8 एंड दिस कम्स टू 8 lakhs, इट मींस 960 and 8 lakhs, दिस कम्स टू 4 lakhs। 1,440 − 960 = 480। सही है सुनो फ्रेंड्स, फिक्स एक्सपेंस आपको दे रखा है 2 lakhs, 2 lakhs, 280 and 2 lakhs। सही है सुनो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट 10% ऑफ 10 लैक्स, 10 लैक्स का 10%, दिस कम्स टू रुपीस 1 लैक, 1,80,000 and 1 lakh। ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स आपका हो गया, टैक्स इज 30%, 54,180 का 30% एंड 1 lakh का 30% इज 30,000, ये 70, 180 का इज 126, ऑल राइट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास हैं टोटल, ईपीएस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेयर्स है अपने पास 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है, 100 रुपीज का एक शेयर है, इट मींस 10 lakhs / 100 इज 10,000, 10,000, 10,000, 7, 10,000 is 12.6, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ क्या नहीं फ्रेंड्स?
यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज डिग्री ऑफ एक बार आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया ना फ्रेंड्स, एक बार अगर आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। आपके पास इनकम स्टेटमेंट रेडी है, अगर आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया तो बाकी की चीज़ें एकदम इजी हो जाएगी। तीनों चीज़ें अपन आराम से निकाल सकते। पहले आप ये बताइए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। एंड बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपके पास ना दैट इज ऑल्सो अवेलेबल करके ना सॉल्यूशन बुक है, तो आपको काफ़ी इजी मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। सही आंसर फ्रेंड, क्लियर हुआ? एक एक क्वेश्चन आपका, एक एक क्वेश्चन में आपका करा दे रहा हूं ताकि कि आपको कोई दिक्कत डिफिकल्टी नहीं आए इसके अंदर। बोलो या सुनो। ऑलराइट, अब अपन आंसर कर सकते हैं। तीनों आंसर अपन आराम से कर सकते हैं। वंस इनकम स्टेटमेंट आपके पास रेडी है फिर तो आपका एरिया आ गया ना फ्रेंड। से या सुनो, कमेंट करो, यस लिखो। क्या पूछ रहा है अपने से? द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इट मीन्स वन लैख 20,000 यूनिट्स और 1 लैख। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पहला क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपका, फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपका, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बोलो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,80,000, 2 लैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स इज 180 एंड इज 1 लैख। सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मीन्स 280 डिवाइडेड बाई 180 इज 1.56 एंड 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 1 लैख इज 2। सही है सुनो फ्रेंड्स, दूसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन 480, EBIT 280, कॉन्ट्रीब्यूशन 4 लैक्स एंड EBIT 2 लैक्स। इट मीन्स दिस कम्स टू 2 एंड 480 डिवाइडेड बाई 280 दिस कम्स टू 1.71। सही है सुनो फ्रेंड्स, द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, पहला ईपीएस क्या था अपना? 12.6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12.6 इंटू 100, 12.6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12.6 इंटू 100 इज 44.44%। दिस पार्ट इज क्लियर हो? बोलो, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1।
टू एंड दिस इज योर आंसर नंबर छोटू वन, दिस इज योर आंसर नंबर छोटू टू एंड दिस इज योर आंसर नंबर थ्री. आंसर वन, आंसर टू एंड आंसर थ्री. अगर इनकम स्टेटमेंट अगर आप बना लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको काफी इजी हो जाएगा. इनकम स्टेटमेंट इज मस्ट. और आपको मेरे साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपके पास तो सॉल्यूशन बुक है, आपको बराबर जो जो पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको ही आपको लिखना है, अदरवाइज इट्स ओके. इनकम स्टेटमेंट सबसे मस्ट है, राइट. अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फाइव. सब आप मिटा दीजिए. क्वेश्चन नंबर फाइव आप रीड कर लीजिए फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर 6.24 आप खुद से रीड कर लीजिए एक बार ना, देन आई विल एक्सप्लेन यू. क्वेश्चन नंबर फाइव एंड योर पेज नंबर 6.24. क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाना है इसके लिए मैंने थोड़ा ये ऐसे ही छोड़ दिया, राइट. क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर 6.24. द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सेलेंस लिमिटेड 20 रुपीज पर यूनिट, आउटपुट इज 20 लैक्स रुपीज, 20 लैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लैक्स. एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट DOL ऑफ द कंपनी इज 2.5. द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 1 लाख. एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज 16%. कैलकुलेट द EPS एट द सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 लैक्स एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल of the company if 25% decline in the sales will wipe out EPS. इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट तो आपका बनेगा. फॉर्मेट आप जरा देख लीजिए, सेल्स फॉर्मेट आप जरा देख लीजिए, सेल्स उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे EBIT इंटरेस्ट माइनस करेंगे, EBT टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, आपका क्या आ जाएगा बोलो, EPS. सही है सुनो फ्रेंड्स, तो पहले आप आ जाइए सेल्स. सेल्स उसने क्या बोला है, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM एक्सीलेंस लिमिटेड 20 रुपीज पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20 लैक्स. इट मीन्स आपका जो सेल्स वैल्यू है दैट इज 20 लैक्स. आपका सेल्स वैल्यू क्या है 20. आप इस पे ध्यान दीजिए ज़्यादा ना, वेरिएबल कॉस्ट इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन उसने बोला है 10 लैक्स, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा बोलो, 10 लैक्स. ऑल राइट, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखा है तो अपने को फिक्स कॉस्ट नहीं है. द सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM एक्सीलेंस लिमिटेड 20 रुपीज पर यूनिट 20 लैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लैक्स प्रेजेंट आउटपुट DOL इज 2.5. तो DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT. दिस इज 2.5, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इज रुपीज 10 लैक्स. वॉट इज दिस, सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मीन्स 10 लैक्स को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, दिस कम्स टू
4 lakhs. से यस ऑर नो फ्रेंड्स, राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ईबीआईटी आ जाएगा 4 लैक्स, ये आपका आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 6 लैक्स. यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? सेल्स आपको डायरेक्टली दे ही रखा है, बोलो. वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया. अब अपन को DOL डायरेक्टली दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये 2.5, ये 10 लैक्स, तो ये आपका आ जाएगा 4 लैक्स. सही है सुनो फ्रेंड्स, लेस. उसके बाद हम लोग ले लेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट? व्हाट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट? 16% ऑन डेप्ट. ओके, द नंबर ऑफ इक्विटी 1 लाख एंड द 1 लाख एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट 50%. ऑलराइट, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड 20 रुपीज पर यूनिट, ऑफ आउटपुट 20 लैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लैक्स, प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द DOL ऑफ द कंपनी इज 2.5. द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लैक. एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स इज 50%. इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज 16%. कैलकुलेट द EPS एट द सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 लैक्स एंड द अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल कंपनी. इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS. इसका मतलब डिग्री ऑफ, ये आपके पास आ गया EBIT तक. अच्छा, अब आपको पता है फ्रेंड्स डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या होता था? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अब वो क्या बोल रहा है कि आपका अगर 25% से डिक्लाइन हुआ सेल्स, सेल्स अगर 0.25 से डिक्लाइन हुआ, अगर आपका सेल्स 25% से डिक्लाइन हुआ, अगर आपका सेल्स 25% से डिक्लाइन हुआ, अगर आपका सेल्स 25% से डिक्लाइन हुआ, तो आपका EPS 100% से उड़ जाएगा करके ना, खत्म हो जाएगा आपका करके ना, आपका ये खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, आपका खत्म हो जाएगा. ओके, क्योंकि उसने बोला ना डेप्ट कैपिटल कंपनी 25% डिक्लाइन सेल्स विल वाइप आउट EPS, पूरा की पूरा EPS को उड़ा देगा. इसका मतलब आपका DCL कितना आ जाएगा? 4. डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपका क्या आ जाएगा? 4. तो इससे अपन आगे बढ़ सकते हैं ना. अगर डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपका 4 है, अगर आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज 4 है, तो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो जाएगा? इट मींस ये आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज विल गिव यू द DCL. आपको DCL दे रखा है 4 और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दे रखा है 2.5. क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 2.5 आपका क्या आएगा? 1.6. तो अगर आपका DCL 1.6 है, DCL क्या होता है? योर EBIT डिवाइडेड बाय EBT, राइट? और DCL आपको दे रखा है, DFL आपको दे रखा है 1.6. तो आपका अर्निंग बिफोर, ये आपको दे रखा है 4 लैक्स. सो अगर 4 लैक को हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो क्या आ जाएगा आपका? 2,50,000 रुपीज. 2,50,000 आपका क्या हो जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स. 250 आपका क्या हो जाएगा? ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? 250 आपका क्या हो जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स. क्योंकि अपने पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज था, अपन ने कंबाइंड यहां से निकाल लिया, राइट? चेंज इन EPS डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल से अपना DCL आ गया. तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होगा? 1.6. अब क्या बोल रहा है? व्हाट योर टैक्स रेट इज ए 50%. इट मींस 1,20,000
5000, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा फ्रेंड्स, 125। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे कंपनी डज नॉट हैव इन द कंपनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, सो दिस कम्स टू 1.25। इज दिस क्लियर ऑन फ्रेंड्स? ओके, कैलकुलेट द ईपीएस, ईपीएस आपका क्या रहेगा 1.25, ईपीएस आपका क्या रहेगा बोलो 1.25। सही आंसर नो फ्रेंड्स? एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स? प्लीज कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज़।